अस्सलाम वालेकुम, मैं लेके आई हूँ आपके लिए हेयर ऑयल। ये है वैसलिन स्टेप वन, और टू स्टेप पे है बादाम का तेल, थ्री स्टेप पे है एलोवेरा, फोर स्टेप पे है सरसों का तेल एक पाव, और ये है 3 स्पून मूली के बीज। मूली के बीज इजीली पंसार से मिल जाएंगे। ये है 3 अंडे, 5 स्टेप हो गया, और ये 6 स्टेप है इसमें अलसी का तेल। अलसी का तेल 2 ग्राम मैंने लिया था पंसार की शॉप से, और इसमें 3 चीज़ें और ऐड होंगी लास्ट पे, यानी कि लहसुन और प्याज और कस्टर्ड आयल। तो 6, 7, 8, 9 चीज़ें तकरीबन इसमें डल गई हैं। तो फिर ये ऑयल तैयार हुआ था, और ये तेल है जो कमाल का तेल है। आप बनाएंगे 3 सीटिंग, जब आप तेल के बाद अपने बाल चेक करेंगे तो आप वाओ कहेंगे, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे, बड़े स्ट्रेट दिखेंगे आपको 3 दफ़ा लगाने के बाद ही। और हो जो आपका हेयर फॉल हो रहा है, वो हेयर फॉल इसलिए होता है गर्मी के मौसम में हम पानी कम पीते हैं। हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए होता है उतने ग्लास हम पीते नहीं, कम से कम 16 ग्लास तो पिया करें। अगर आप 16 ग्लास नहीं पीते तो फिर क्या होता है, पसीना ज़्यादा आने से हमारे नमकियात ज़ाया हो जाते हैं, जो कि विटामिन सी लेना पड़ता है बॉडी के लिए। विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, स्किन के लिए। तो विटामिन सी लें जिनकी एज 40 साल के बाद है, उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है विटामिन सी लेने की। तो आप CAC टैबलेट भी आती हैं वो भी इनटेक किया करें, और दूसरी बात कि आप लेमन की स्कंजमी जिसको बोलते हैं वो भी ज़्यादा पिया करें इस मौसम में, तो आपके नमकियाँ ज़ाया नहीं होंगे। आप बाहर से अगर अपनी स्किन का हेयर का ख्याल रखेंगे तो आपको चाहिए कि आपकी जो डाइट है, जो प्रॉपर पानी है वो भी पूरा करें, तो इंशाल्लाह आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें वही ऐड कर रही हूँ फ़िलहाल। 2 चम्मच भर के आपने एलोवेरा डाल देना है इसमें, ये देखें, और बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है। ये मेरी वैसलीन ख़त्म होने वाली थी इसलिए 1/2 चम्मच निकला। आप फुल भर के 1 वैसलीन का चम्मच ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे ये थोड़ा सा कस्टर्ड ऑयल था मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये 3 अंडे हैं, 3 अदर अंडे हैं। अंडे से आपको पता है प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें कैराटीन बनाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। कैराटीन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो फ़िलहाल अंडे का तेल अगर आप लेते तो काफ़ी महंगा मिलना था आपको, ओरिजिनल मिलना भी नहीं था असल वाला। तो फ़िलहाल मैंने 3 अंडे इसमें डाली हैं, और इसमें अब जो डालेंगे वो है लहसुन। लहसुन के जवे हैं, ये भी आप डाल सकते हैं, इसको आप कूट के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इसमें हम इसके बाद जो डालेंगे चीज़ वो है प्याज। आपको पता है प्याज बालों के लिए बहुत अच्छा है, न्यू ग्रोथ के लिए, बालों की न्यू ग्रोथ होती है प्याज से। और ये प्याज है, प्याज मैं काट के इसमें डालूंगी। तकरीबन 9 चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, अगर मुझसे कोई भूल गई हूँ मैं तो फिर वीडियो देख लीजिएगा। खैर आप, तो ये सारी चीज़ों को हम पकाएंगे। और 10 चीज़ें हो गई। ये है सिरका, और ये सिरका हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 3-4 चम्मच, छोटे स्पून जो होता है 3 से 4 चम्मच वो डालेंगे। और अब हमारा तेल जो था 1 पाव था, और चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी हमें तेल भी निकालना था, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी का, ताकि पानी डालेंगे तो सारी चीज़ें जो पक रही हैं इसके अंदर उसका असर अच्छे से निकल आएगा, और हमारा ऑयल जितना 1 पाव है वो उतना हमें वापस मिल जाएगा, और ये थिक भी नहीं होगा पानी डालने से। अगर हम इसको पकाते रहेंगे और हमारा ऑयल जल जाएगा और वो कलर भी चेंज हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा, इस वजह से आपका पानी डालिए। और इसका अच्छे से असर जब निकल जाए तो आप छान लीजिएगा, देखने किस तरह ये उबल रहा है। तो जब ये अच्छे से बाला आ जाए, इसको उबल जाए यानी, तो फिर आप छान लीजिएगा, अपना तेल वापस ले लीजिएगा। और ये देखिए मैं छान लूँगी, और जितना जितनी है सरसों के तेल की थिकनेस होती है उतनी सिर्फ हम रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये वापस मैंने तेल निकाल लिया, और थोड़ा सा ऑयल मैंने उसके अंदर यानी तेल छोड़ दिया है। जो चीज़ें हमने सारी डाली थी अब उनका कलर चेंज हो जाए उसके अंदर,
वो अच्छे से पक जाएगा और वो उसका असर अच्छे से निकल जाएगा, तो फिर वो हम छान के फिर इसमें ऐड करेंगे। हाफ तेल अभी उसके देचकी के अंदर ही है, सॉस पैन के अंदर ही है, यानी ये देखिए ये सारी चीज़ें, इनका आप कलर चेंज करेंगे। हम मूली के बीज ये सारी चीज़ें जब ब्राउन कलर की हो जाएंगी, ये देखिए बॉयल आने के बाद, फिर हम इसको हलाते रहेंगे और फिर अच्छे से इसको छान के लोन के या मलमल के कपड़े से इसको छान के अच्छे से निचोड़ के फिर ये बोतल भर लेंगे। और ये डेली भी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। नाइट में लगाएं, सुबह एसी वाले पानी के साथ वॉश कर लें, अगर एसी वाला नहीं तो मीठे पानी से वॉश करें। एसी का पानी मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, एसी का पानी हमें फ़िल्टर होके मिलता है और मीठा होता है, और जो खारा पानी है वो बालों को ख़राब करता है। और ये तीनों वीडियो आपने लाजमी देखनी है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, लाइक करना, और तीनों चीज़ें यूज़ करने के बाद आपने हेयर कंडीशनर किसी भी ब्रांड का लाजमी यूज़ करना है। वो रूट्स में नहीं लगाना कंडीशनर, और सिर्फ जड़ों के अंदर नहीं लगाना, और बाकी लेंथ पर लगाना है आपने। और थैंक